नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, स्पेशली टीन एजर्स जो है वो पूछते हैं कि सर क्या मास्टरबेशन से हमको पिंपल्स और एक्ने की परेशानी हो गई है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या मास्टरबेशन से पिंपल एक्ने होते हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पड़ोस की बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको थम्स अप देना ना भूलें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, मास्टरबेशन जो है, जैसे मेरे जो चैनल है उस पर कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो यदि हम बात करें कि क्या मास्टरबेशन से पिंपल या एक्ने होते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कतई नहीं होते हैं, है ना। मास्टरबेशन और पिंपल का कोई आपस में संबंध नहीं है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो टीनएजर्स हैं, जो लगभग 11 से 18 साल के बीच के लोग हैं, उनको क्यों मास्टरबेशन के कारण पिंपल्स होते हैं? तो ये एक भ्रांति है दोस्तों। क्या होता है कि जब आप प्यूबर्टी की एज में आते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स बनने लगते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स बनने लगते हैं, आपकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आपके हेयर ग्रोथ होने लगते हैं ना, तो इस दरमियान जो है आपके पेट भी खराब रहने लगता है, आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, इस कारण से आपको जो है चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, है ना। और इसी ही दरमियान 11 से 18 साल के बीच में ही व्यक्ति मास्टरबेशन परफॉर्म करने लगता है, तो जो टीनेजर है उनको ये लगता है कि ये मास्टरबेशन कर रहे हैं इस कारण से पिंपल हो रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। टीन एजर हो आप, प्यूबर्टी की एज में लगभग लगभग सभी लोगों को पिंपल्स होते हैं और ये पिंपल्स होना भी चाहिए, है ना। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हॉर्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे पिंपल्स फोड़े फुंसी हो जाते हैं, है ना, और उसी दरमियान मास्टरबेशन भी करते हैं, तो लोगों को ये लगता है, टीन एजर को ये लगता है कि मास्टरबेशन के कारण पिंपल्स हो रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप एक टीन एजर हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग से भ्रांति निकाल दीजिए कि मास्टरबेशन से पिंपल हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी जानकारी हमारे से कंसल्टेशन की दी गई है, तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।